नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। ग्वालियर में भाजपा युवा मोर्चा की वाहन रैली को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने भाजपा नेताओं से रैली निकालने की परमिशन मांगी तो वो परमिशन नहीं दिखा पाए। पड़ाव थाना प्रभारी ने कहा कि बिना अनुमति रैली निकालने पर संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ता पूर्व विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए बाइक रैली निकाल रहे हैं। नहीं, अभी रैली निकली नहीं है। रैली में कत्तीकरण हो रहे हैं बाल भवन के पास में, उनसे परमिशन मांगी। परमिशन नेट प्रोसेस है, शीघ्र आने वाली, तभी रैली यहाँ से निकलेगी, जैसा कि उनके अधिकारियों ने बताया है। और क्योंकि परमिशन आने वाली तभी रैली निकल चुकी है। नहीं नहीं, रैली वो यहाँ से उनके जो पदाधिकारी थे उनसे पूछा कि वो पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेके आ रहे हैं, हम एकत्रीकरण कर रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिस में वो आवेदन करते हैं, फिर पुलिस से वेरिफिकेशन होने के बाद परमिशन मिलती है, तब उससे रैली निकाली जाती है। अभी अगर ये आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो मामला दर्ज किया जाएगा। ठीक। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।